शेल भाई हुआ क्या स्टार्ट बताइए। ऑडियो वीडियो ऑल गुड ऑल परफेक्ट वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी भाई वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना आज के इस प्यारे से सेशन में। आफ्टर वीकेंड आप लोग मिल रहे हैं। हाँ नहीं यस आपका लीगल एप्टीट्यूड जो है वो भी स्टार्ट होगा। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लीगल एप्टीट्यूड नहीं लॉजिकल रीजनिंग भी आपका स्टार्ट होने वाला है जैसा आई थिंक आपको सर ने बताया। सही है परफेक्ट छे। प्रिंस मित्तल कह रहा है कि सर जलवा हो रहा है आपके इंस्टा पर। शुक्रिया शुक्रिया। ना जो बच्चे इंस्टा पर फॉलो करते हैं उनको पता ही नहीं होगा उनको तो वो तो एकदम ब्लैंक होंगे बेचारे। चल क्या रहा है। नीलम जी शुक्रिया। तनुजा गुप्ता ऐसा यस वेरी गुड आफ्टरनून। देखो लिंक आ गई होगी आई थिंक आपके ग्रुप पे अभी। और टेलीग्राम पे जस्ट मैंने भी भेजी है। आग लग गई क्या। बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड देखा अमृता मजा आ गया। बधाई हो बधाई हो। मैंने आपको जीवन में बहुत काम में आएगा सर्विस चार्ज वाला। अभी मैं यहां पर कर देता हूं स्क्रीन शेयर और फिर करते हैं शुरुआत। तुझे सोचता हूं मैं शाम सुबह इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। इस सारे गम में जाना सगुं तेरे हर एक मौसम में जाना सगुं तेरे अब इतने इंतहा भी नाले मेरे। क्या बोल रहे ऐसा नहीं वो तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम कोलेब्रेशन था। वो तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम कोलेब्रेशन था। लोग उसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं। लोग उसको जो है थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली तो क्या था वो इंस्टाग्राम का कोलैब था एक डांस का। क्यों है क्यों सही बात है ना। चलिए एग्जीक्यूटिव की फीस क्या है तन्वी पूछ रही है। अरे पैसे लेते कहाँ हम बताओ ऑफिस में बता देंगे फिर भी थोड़ा बहुत नॉमिनल कुछ होगा। तो कौन से पेज पे थे भाई अपन चैप्टर नंबर 2 के। अभी आया भी था बंद हो गया लेकिन। पेज नंबर 72 करेक्ट है। मेरी इंस्टा आईडी मेरे नाम से ही है सौमिल अंडर स्कोर मंगलानी ऐसा कुछ तो है। फ्राइडे के लेक्चर में एक टॉपिक कौन सा निकिता निकिता जी कौन सा वाला। अपन तो सीक्वेंशियली सारे पढ़ रहे हैं। एक मैंने स्किप करवा दिया होगा है ना ये वाला ना ये आरबीआई रिलीजियस फ्रेमवर्क ये वाला ये नहीं करना है आपको है ना ये नहीं करना है। यूरोपी हो गया था फिर लास्ट टाइम मैंने सारा का सारा आपको रिवाइज करवाया था मैंने सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तक हो गया था ये भी हो गया था अपना। आई थिंक बच्चों ने कुछ सैटरडे को अटेंड नहीं किया ऐसा मुझे लग रहा है ना कमेंट से। तो अपने को स्टार्ट करना है गाइस पेज नंबर 72 से। दैट इज आरबीआई इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आरबीआई इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स।
आज रिजल्ट आने वाला है सीएससीटी का। यस, आपको ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट जिनका आज रिजल्ट है, और एकदम जबरदस्त रिजल्ट होगा, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। कौन सा निकिता धाकड़? ये नहीं करना, ये स्किप करना है बेटा, है ना, जो जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो स्किप करना है आपको, ठीक है, ये रिलीज फ्रेमवर्क वाला नहीं, स्किप करना है। और ई रूपी तक अपना हो चुका था, यस, चले हम आगे। आज रात को 8 बजे है लाइव वेबिनार फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, है ना, आज रात को है 8 बजे, बहुत शानदार, चले चले भाई, सुनिएगा। तो गाइज यहां पर आपका देखो आरबीआई ने देख रखा है ना, आरबीआई ने देख रखा है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है, पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आरबीआई कहता है कि भाई इंडिया में कुछ कुछ फैसिलिटीज हैं जो आइडियली हर किसी को यूज करनी चाहिए, जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज आइडियली सबको यूज करनी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटीज सबको यूज करनी चाहिए, पेंशन के लिए सबको सेविंग करनी चाहिए ना, पेंशन में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको मतलब आपको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको पेंशन मिले। तो ये कुछ कुछ चीजें जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है, पेंशन है ना, ये कुछ नाम है जिसमें इंडिया के लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, इंडिया वाले ने इसको यूज करना चाहिए। तो हमने यहां पर इस इंडेक्स में आपको ये बताया है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग ये सब सर्विसेज यूज करते हैं, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, अगर ये सर्विसेज इंडिया में है भी तो वो कितनी अच्छी हैं। भाई बैंकिंग फैसिलिटी हर बैंक अच्छी सर्विस देता है ऐसा नहीं है, ठीक है, प्राइवेट बैंक थोड़े अच्छे माने जाते हैं मैनेजमेंट में, एंड आपके जो यहां पर सरकारी बैंक है वो इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो वो किस तरीके से सर्विसेज इंडिया में देते हैं, वो कितना हमको जो है यहां पर सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो उसके लिए हमने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ समझ आएगा। अंकुर कह रहा है एक शायरी सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ, है ना। तनुजा गुप्ता क्या कमेंट इग्नोर करने वाले कर रहे, तो करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है। ओके मुझे बताइए कि यहां पर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा आपको और एक रफ समझ आएगा, एक रफली आपके दिमाग में बैठा गया कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है, एक रफ बात दिमाग में बैठी क्या आपके कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मतलब भाई इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो है ना आपकी पेंशन वाली सर्विसेज हैं, ये इंडिया में कैसे चल रही हैं, लोगों को कितना पता है इसके बारे में, ये कितनी फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं भी अगर तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको किसमें बताई गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। बोलिए ये आपको रफ आइडिया लगा क्या, हाँ या ना यस सर नो। दीपशिखा कह रही है बहुत डर लग रहा है, अरे डर के आगे जीत है यार, पास हो जाओगे चिंता ही मत करो, प्यार जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए है, पर जिंदगी बस दर्द बढ़ाने के लिए है, मेरे अंदर की उदासी काश कि पढ़ ले ये हंसते चेहरे दुनिया तो दिखाने के लिए। वाह अंकुर सिंह इतना सेंटी, क्या हो गया, छोड़ के चला गया कोई, चलो इतना समझ आया, परफेक्ट, चले मैं आगे। सुनो तो हमने यहां पर बोला है कि आरबीआई ने पब्लिश किया था यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो इसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाती है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, लंबा सा है, तो ध्यान सुनेगा। तो यहां पर हम डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर। तो पांच नाम यहां पर है, कौन कौन से बताइए, और यहां पर आपके पांच नाम आ जाते हैं, कौन कौन से, इंश्योरेंस है ना आपका, बैंकिंग आपका, इन्वेस्टमेंट आपका, पोस्टल एंड पेंशन, कौन कौन से बताइए, है ना। पलक सिंह 5 से 6 महीने के, 5 से 6 महीने के मैक्स टू मैक्स, तो पांच नाम फटाफट से बताइए मुझे, कौन कौन से पांच नाम, कौन कौन से आपके, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, पोस्टल, पेंशन। तो ये पांच चीजों का यहां पर आपको एवरेज बताया जाता है कि ये पांच चीजें इंडिया में कैसे काम कर रही हैं। ओके दीपशिखा करी आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जोरदार खाना खाओ मतलब पेट भर के खाना खाओ, सो जाओ, एकदम हैवी खाना खाओ मतलब बटर मिल्क पियो, छाछ पियो, ताक पियो, है ना, बेहतरीन खाना खाओ, सो जाओ, और घर वालों को बोलना डायरेक्टली 4:30 बजे उठाना। ओके ठीक है समझ आया। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई अपने पास एक न्यूज चैनल वाला जो है एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है इन शॉर्ट्स, आपके पास कंपलसरी इन शॉर्ट्स नाम का एप्लीकेशन होना जरूरी है ना, आपके पास जो है कंपलसरी इन शॉर्ट्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, सभी के पास डाउनलोड कर लिया था ना, कुछ बच्चों ने हो सकता है लेट ज्वाइन किया तो उनको पता ना हो, ठीक है इन शॉर्ट्स में, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है, पेंटालूंस वेंटालूंस ये सब आपके काम का नहीं है ना, किंग फिशर भी आपके काम का नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
तो यहां पर ये इंटरनेशनल न्यूज है, जैसे ये आपकी क्रिप्टो करेंसी वाली है, माना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX owes its 50 biggest creditors nearly $3.1 billion। यहाँ पर आपका जो ये एक्सचेंज है, जो आप जो क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेडिंग करवाती थी, मैंने इसको 50 बिगेस्ट क्रेडिटर्स को $3.1 बिलियन देना है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज अपने को नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल न्यूज अपने को नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें जैसे ये काजल वाजुल की भी नहीं पढ़नी है आपको। ओके ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है ये पूछा जा सकता है, मैंने फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है ये पूछा जा सकता है, बताओ कहां पर हो रहा है, मैंने फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है बताइए, है ना। इनको ट्विंस हुआ ये सब नहीं पढ़ना है, ईशा को और आनंद पीरामल को यहाँ पर जो है ट्विंस हुआ, एक लड़का एक लड़की, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन है ना, लेकिन काम की चीजें जो एग्जाम पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, तो आपको बताना चाहिए कहाँ पर हो रहा है बताइए, कतार में हो रहा है, कतार में। ठीक है, सिमिलरली देखो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट लैंड्स एट कोलकाता एयरपोर्ट पिक सर्फेस, तो ये कोलकाता एयरपोर्ट में आता है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, पॉलिटिकल ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी नहीं पूछी जाती है। ओके परफेक्ट, तो जस्ट आपको मैंने बताया ये वाला एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, कतार में हो रहा है, वेरी गुड। अरे यस, तो अमृता इसमें फाइनेंशियल न्यूज भी पढ़नी है आपको बिल्कुल, और मेन मेन चीज जैसे अभी वो आपको जो है क्रिप्टो एक्सचेंज वाली एक न्यूज थी, ठीक है, फिर यहाँ पर बिगेस्ट एयरक्राफ्ट आपका कोलकाता में आया था, तो ये न्यूज पढ़ने वाली होती है। बाकी अपने एकदम जो पॉलिटिकल न्यूज होती है या बॉलीवुड वाली न्यूज होती है वो सब नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अंकुर कह रहे सर्विस चार्ज वाले केस का क्या हुआ, अब इसका अपडेट आएगा 10-12 दिन में, अभी तो मैंने कुछ उसका फॉलोअप लिया नहीं है, बट हो जाएगा मोस्टली। चलो सुनो, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, आरबीआई इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस पोस्टल, ये पांच चीजें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी, वापस से बैंकिंग, आपका इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्टल एंड पेंशन, ये पांच चीजें यहाँ पर बताई जाती है कि भाई इंडिया में कैसे काम करिए, और इसे इंडेक्स का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। देन हमने यहाँ पर बोला कि भाई वैसे तो ये हम एफआई इंडेक्स हर साल जुलाई में पब्लिश करेंगे, हर साल के जुलाई में यहां पर आपको प्रेजेंट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई इंडिया कहां तक पहुंचा है ना, इंडिया कहां तक पहुंचा है। देन हमने यहां पर क्या बोला है कि ये जो अपन इंडेक्स देखते हैं ये 0 से लेकर 100 के बीच में देखते हैं, 0 का मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, मतलब इंडिया वालों को कुछ पता ही नहीं है, और 100 मतलब एकदम जो है फाइनल इंक्लूजन है, मतलब सब लोग इसमें एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग कहां से लेकर कहां तक होती है, इसको रीड करिए एक मिनट। चलिए, तो भाई हमने यहाँ पर क्या बोला, जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये 0 से 100 के बीच में होता है ना, ये जो है 0 से 100 के बीच में होता है, तो इट इज सेम लाइक जैसे आपको सब्जेक्ट में नंबर मिलते हैं, 0 बोले तो कुछ भी नहीं पढ़ाया लड़के ने, और 100 मतलब जो है एक्सपर्ट है। सिमिलरली ना, 0 के करीब हम जितना भी होंगे मतलब इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, एंड 100 की तरफ जितना बढ़ेंगे मतलब उतना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़ रहा है, लोगों की अवेयरनेस उतनी बढ़ रही है, तो हम 0 to 100 के बीच में इसको देखते हैं। ओके देन नेक्स्ट, अपने को बोल के रखा है कि यहां पर तीन चीजों पर फोकस है, ये जो इंडेक्स बनाया गया है ये तीन चीजों पर फोकस है ना, किस किस पर, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी। तो ऑक करके याद रखना है, ऑक क्या याद रखोगे आप, ऑक, ऑक बोले तो AUQ, तो एक्सेस कितना 35%, यूजेज कितना 45%, एंड आपकी क्वालिटी कितना, क्वालिटी कितना 20%। ठीक है, तीन चीजें देखनी है, तीन चीजें, जब से इंस्टा पे वीडियो डाला है मैंने, है ना, सुनो, तो पर क्या हो गया, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी, तीन चीज देखी जाती है। एक्सेस मतलब इन चीजों का, जो आपका पेंशन है, इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, इनका लोगों को एक्सेस कितना है, मतलब लोग कितना इजीली इसको जो है
एक्सेस कर पाते हैं जाके, मतलब अवेलेबिलिटी कितनी है ये देखना है। देन यूजेज, अवेलेबिलिटी तो है लेकिन कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड वाला क्वालिटी, भाई क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है। तो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी देखो, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी। एक्सेस का कितना परसेंटेज पकड़ा आपने, 35, यूजेज का 45, क्वालिटी का कितना 20%। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इससे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 35, 45, 20%, इतना इतना वेटेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हो गए, तो टोटल 97 इंडिकेटर्स हैं। ये तो आपको तीन चीजें बताई गई, आपका एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी, लेकिन इसके अंदर जाके देखेंगे तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने यहां पर चीजें चेक की जाती हैं, तो टोटल 97 चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। ओके, अब यहां पर बोला है कि भाई इसमें एक यूनिक फीचर है ना, यूनिक अकेडमी की तरह यहां पर एक यूनिक फीचर है, क्या, क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या देखा जाता है, क्वालिटी में देखा जाता है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे के बारे में लोग पढ़े लिखे कितने हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि पैसे के बारे में लोग पढ़े लिखे कितने हैं। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में क्या किया जाता है, जैसे यहां पर मुझसे सर्विस चार्ज लिया गया और मैंने परसों वाले लेक्चर में उस पर केस किया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंडिया के क्या हालात हैं, इनइक्वेलिटीज एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर यहां पर कुछ इनइक्वेलिटी होती है या सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है तो कितनी डेफिशिएंसी होती है और उसे कैसे डील किया जाता है, तो ये कुछ कुछ चीजें यहां पर क्वालिटी वाले पैरामीटर में देखा जाता है। ओके, वापस से, तो तीन चीजें, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी। एक्सेस कितना परसेंट है, 35%। यूजेज कितना है, 45%। क्वालिटी कितना है, 20%। अब क्वालिटी इज अ यूनिक फीचर है ना, व्हाट इज अ यूनिक फीचर, सो क्वालिटी पैरामीटर इज अ यूनिक फीचर जिसमें देखा जाता है कि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, पैसे के बारे में कितना है वो पढ़े लिखे हैं, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरीके से है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज को कैसे डील किया जाता है, ये कुछ कुछ चीजें आपको यहां पर मिलेगी। बोलिए, परफेक्ट, 6 के नीचे, यस और नो, हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ, एकदम डन डन डन। देन नेक्स्ट आपने क्या पर बोला है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में कोई बेस ईयर नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो यहां पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखा था तो उसको 2008 से देखो कंपेयर करते थे आपने, कुछ टाइम पहले, कुछ पेजेस पहले डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखा था तो मार्च 2018 का है ना, 8 नहीं, 2018 का में 100 था, फिर 304.06 हुआ, तो वहां पर कंपेयर करने के लिए कोई बेस इंडेक्स था, किसी साल से कंपेयर करते थे, लेकिन यहां पर कोई बेस ईयर नहीं है। ये एमसीक्यू में एक बार आ चुका है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो कोई बेस ईयर नहीं है ना, हर साल नया नया रैंकिंग आता है एंड 0 से 100 के बीच में अपना यहां पर पॉइंट्स मिलते हैं। तो मार्च 2021 में कितना था, 53.9, मार्च 2021 में आपका था 53.9। एक बार मैं देख लेता हूं अगर इसका नया डेटा आया होगा तो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2022, अगर इसमें कुछ नया आया होगा तो अपन देख लेते हैं। तो इंडेक्स शोज एन इंप्रूवमेंट टू 56.4, 2022 का भी आप लिख सकते हो, 2022 में कितना हो गया, 56.4। तो दोनों याद रखेंगे अपन, अपन दोनों याद रखेंगे, 2022 का जो लेटेस्ट वाला आया है वो कितना आ गया, 56.4। माने इसको लिख लो प्लीज, इनइक्वेलिटी मतलब, माना इनइक्वेलिटी मतलब जब इक्वलिटी से ट्रीट ना किया जाए, है ना, कहने का मतलब जो भाई छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको भाव नहीं दे रहे, एंड जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं भाई उनको आप पहले सर्विस दे रहे हो, तो ऐसी इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर माने जाने चाहिए। तो 2022 में कितना आया, 56.4 ना, एंड 2021 का कितना था, 53.9। तो आपके मॉड्यूल में अपडेट नहीं किया लेकिन अपन दोनों सालों के याद रखेंगे, ठीक है डन। अमृता जी कह रही हैं करंट अफेयर्स देखो पढ़ने से आता है, करंट अफेयर्स पूरा डेटा बेस्ड है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। आप लास्ट बैच वालों से भी पूछोगे तो जितने ज्यादा आपके रिविजन होंगे, जितने ज्यादा आप मैराथन अटेंड करोगे उतना अच्छे से आपका होगा। ओके, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है डन, समझ आया। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, 2022 का कितना था, 56.4 एंड है मतलब, एंड 2021 का 53.9, याद हो गया। एक बार वापस से पढ़ ले फाइनली, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक बार वापस से गो थ्रू कर ले, बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यस। चलो है ना, देखते हैं आपको कितना याद है। अच्छा पहले तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार, इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक देखो कितने से है ना, एंड बाद में जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि लाइक और कमेंट कर दिया करो, एटलीस्ट एक दिल तो छोड़ दिया करो, दिल तो छोड़ ही सकते हो। चलिए सुनिएगा, तो यहां पर हमने बोला है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लाया था, तो किसने लाया था,
आरबीआई ने लाया था। आरबीआई इसमें देखती है मेनली पांच पैरामीटर्स, पांच चीजों की इंडिया में एक्सेस, क्वालिटी, सर्विस कैसी कैसी है, ये देखा जाता है। तो पांच पैरामीटर्स में क्या क्या देखा जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पेंशन एंड आपका लास्ट में है ना पेंशन पोस्टल, है ना, ये पांच चीजें। तो ये पांच चीजें हैं जिसका यहां पर देखा जाता है कि भाई इंडिया में कैसे चल रहा है। और ये तीन मेन पैरामीटर्स है, कौन कौन से, ऑक, तीन मेन पैरामीटर्स है कौन से, ऑक। क्या बोल रहे हैं, नहीं तनुजा वो किसी किसी को ऐसा आ जाता है क्योंकि सबको क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, है ना तनुजा, सबको क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं। आईसीएसई क्या करता है, उन्होंने 500,000 क्वेश्चन बना के रखे हैं एंड 500,000 क्वेश्चन में से हर बच्चे को रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ को रिपीट होते हैं, कुछ कुछ को नए नए क्वेश्चन आते हैं। निशांत कह रहा है कि अब्बड़ सर की भी आवाज आ रही है, सच में आ रही है क्या। पैरामीटर्स मतलब होता है पैमाने, पैमाने मतलब जिस चीज पर उसको चेक किया जाएगा, पैरामीटर्स मतलब जिस चीज पर आपको चेक किया जाएगा। अब्बर सर की आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, अब्बर सर की आवाज नहीं आ रही है ना। ठीक है डन, तो हम देखो पांच पैरामीटर्स चेक करेंगे जिसको हम कहते हैं एफ आई इंडेक्स। अब ये एफ आई इंडेक्स हर साल कब आता है, तो भाई है ना जुलाई में आता है। हमने यहां पर बोला है कि 0 से 100 के बीच में इसकी रैंकिंग होती है, मैंने 0 से 100 के बीच में रैंकिंग होती है। हाँ सागर, हाँ, वो हर्षद, हर्षद आ रहे नीचे, रुक उसको कॉल करना उसको। क्या क्या, हाँ पर मैंने उसको समझाया है कि कौन से देने हैं, हर्ष तो हर्षद को पूछ ले। हाँ चलिए, है ना, तो यहां पर 0 से 100 के बीच में होता है, 0 में एकदम कम है, 100 में एकदम हाईएस्ट है। ओके, अब यहां पर अपन तीन चीज देखते हैं, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी। एक्सेस को कितना बोला था आपने, एक्सेस को 35%, यूजेज को 45%, क्वालिटी को 20%। एंड इसमें यूनिक पैरामीटर कौन सा है, तो क्वालिटी इज यूनिक पैरामीटर, जिसमें देखा जाता है कि भाई इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है, कितने लोग पैसे के बारे में पढ़े लिखे हैं, अने इनइक्वेलिटी तो नहीं है, डेफिशिएंसी इन सर्विस तो नहीं है, ये चीजें यहां पर देखी जाती हैं। टोटल मिला के 97 इंडिकेटर्स यहां पर देखे जाते हैं एंड यहां पर अपना कोई भी बेस ईयर नहीं है। एंड 2021 का जो इंडेक्स था 53.9 था एंड 2022 में सुधार हुआ है एंड इट हैज बिकम 56.4, है ना 56.4। बोलिए क्लियर हुआ, यस और नो। चले हम आगे, चले हम आगे। अब अपने को यहां पर नेक्स्ट दिया गया है कि भाई अनुराग सिंह ठाकुर ने, अब ये बहुत पुराना मुद्दा है, पूछा नहीं है फिर भी एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो है, इन्होंने ना एक शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज बनाई है जिसका नाम है हिसाब की किताब। यहां पर जो है इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 2021 में, वो भी कब, 3 जून 2021 को यहां पर एक बुक बनाई थी जिसका नाम है हिसाब की किताब। बुक मतलब इन्होंने वीडियोस बनाए, शॉर्ट वीडियोस बनाए, बनवाए हैं जिसका नाम है हिसाब की किताब। अब ये वीडियोस जो है 6 शॉर्ट वीडियोस हैं, है ना, 5-5 मिनट के 6 शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर जो इंश्योरेंस स्कीम, बजट सेविंग, इन सब का इंपॉर्टेंस समझाया है कि भाई यहां पर इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, बजट सबने बनाना चाहिए, ठीक है, सबने जो है यहां पर सेविंग्स करनी चाहिए, इसका समझाया है। एंड ये पैसा कहां से आया है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, तो कौन सी अथॉरिटी ने इस पर काम किया है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने। क्लियर है, नाम याद हुआ क्या आपने बोला, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर का एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, इसके द्वारा बनवाए गए, किसने बनवाया, अनुराग सिंह ठाकुर ने बनवाया। वीडियोस का नाम क्या है, हिसाब की किताब। तो 5-5 मिनट के 6 वीडियोस यहां पर डाले गए। अब मैं आपको पहले एक बार फोटो भी दिखा देता हूं कि ये है ना कौन है, तो इनका नाम है देखिए अनुराग सिंह ठाकुर, ठाकुर साहब है, काफी स्मार्ट से दिखते हैं, थोड़ी सी एज ज्यादा है, 1974 के हैं,
1974, 26 और 22, तो मतलब 48 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली, बट ऐसे दिखते हैं। मैंने ये कौन है देखो, अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। तो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, और यूट्यूब पर इनके वीडियोस हैं, इनके वीडियोस मतलब ये आप देख सकते हो, जिसका नाम है क्या, हिसाब की किताब। मैं जैसे आपको दिखाता हूं, अभी फुर्सत होगा तो देखना उसमें जाके। ये देखो है ना, हिसाब की किताब है, तो आपको ये वीडियोस मिलेंगे। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, सर जो तेरा चकराए। एक तो यूट्यूब खोलने में बड़ा डर सा लगता है, पता नहीं क्या रिकमेंडेशन में आ जाए, क्यों है कि नहीं। अरे इसमें आ क्यों नहीं रहा है, हिसाब की किताब प्लेलिस्ट। अभी पिछली बैच वालों को तो मैं दिखाता था, आपके नसीब में नहीं है मुझे लग रहा है। ये मानी, ये देखो आपके हिसाब की किताब एपिसोड 1 एपिसोड 2, ये है लॉन्चिंग ऑफ हिसाब की किताब IEPFA। इनको देखा है बहुत बार, पड़ोस में आते जाते रहते आपके। तो ये देखो उन्होंने लिखा है 5-5 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, तो ऐसे समझो कि आपको जो यहाँ पर छोटी छोटी एक प्लेलिस्ट बना के दिए, इनको आप देख सकते हो। तो इसमें किस बारे में बताया, तो बजट है ना, अरे इसको चलाते नहीं अपन, दिक्कत हो जाएगी, मैंने बजट के बारे में, सेविंग के बारे में, तो ये सब आपको समझाया है। ठीक है डन, क्या बोल रहे हो ओम पाठक, बोलो क्लियर हुआ। तो ये किसने लॉन्च करवाया था, अनुराग सिंह ठाकुर ने, कौन सी अथॉरिटी है, तो IEPFA। IEPFA बोले तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। 6 शॉर्ट फिल्म से 6-5 मिनट ईच उन्होंने लिख के रखा है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग इंश्योरेंस आपको समझाया है, करेक्ट है। चले हम आगे, तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 74 पर, जिसमें आपको बताया गया है करेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स। तो इसमें अब आपको थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा चैप्टर बचा है नहीं, माना ज्यादा चैप्टर आपका बचा नहीं है, वैसे हार्डली 3 पेजेस का है, माना हार्डली जो है वो 3 पेजेस का है चैप्टर। ओके फोकस करेंगे, चलिए। तो हमने यहाँ पर बोल के रखा है आपका करेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस स्टॉक मार्केट्स, अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2022-23। तो हर साल देखिए एक बजट पेश होता है, बजट कब पेश होता है, मतलब बजट जो है वो कब पेश होता है। हाँ शायद यस वेरी गुड। तो हर बार क्या होता है, 1 फेब को बजट पेश होता है, एंड बजट कौन पेश करते हैं, बजट कौन पढ़ता है, कौन पेश करता है, तो बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, अभी है हमारी ताई निर्मला ताई, तो निर्मला सीतारमन है, माने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, और इन्होंने 22-23 में जो बजट आया था, मतलब अभी 1 फरवरी 2022 को जो बजट आया था, उसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या थे वो आपको यहाँ पर बताए गए। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा हो सकता है आपने लाइफ में कभी पहले पढ़ा ना हो, या इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हो, ये भी है ना, ये भी थोड़ा सा इसमें पॉसिबल है। सुनिए, तो हमने यहां पर बोला है कि सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, और मैं जितना डेटा आपको याद करवाऊंगा प्लीज उतना ही करना है ना, बाकी पुराना पुराना नहीं करना है। तो यहां पर ही कहते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। पहले व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। ब्रांड गेमिंग कह रहे हैं सर, मोदी सर कह रहे थे कि आपकी एक नहीं अनेक है ना, उनके हिसाब से तो मेरी शादी 10 साल पहले हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे भी हैं उनके हिसाब से। चलो सुनो, यहां पर क्या है ना, आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े बड़े खर्चे, कैपिटल खर्चा जो कहा जाता है, जैसे रोड्स बनवाना, ब्रिज बनवाना, डैम्स बनवाना, सरकार ये सब करवाती कि नहीं? है ना, आप देखो, आप भी गार्डन वार्डन में जाते हो कि नहीं? यानी आपकी उम्र हो गई कि गार्डन में जाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, मतलब शाम शाम को वक्त बिताओ, तो वो सब भी क्या है, वो भी तो सरकार ही मेंटेन करती है, करेक्ट? तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। यानी अलग अलग टाइप के, जैसे आप तो बहुत सुधरे हुए हैं, आप तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अलग अलग सिटीज में कोई लवर्स पॉइंट होता है, कोई ब्रिज होता है ना, जहां पर अक्सर जो है कपल बैठ जाया करते हैं, लड़का लड़की या लड़का लड़का, जैसे भी है, जैसे भी है ना। तनुजा जी, अब आपका कमेंट दिख रहा है, तो ये सब भी क्या है ना, ये सब भी क्या है, ये सब भी तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। देखो, आपके लिए सरकार खर्चा कितना कितना करती है ये सब बनवाने के लिए। तो सरकार कहती है कि 2022-23 में हम इस खर्चे को बढ़ा रहे हैं, कितना? वी आर इंक्रीजिंग दिस बाय 35.4%। वी आर इंक्रीजिंग दिस बाय 35.4%, एंड टोटल कितना खर्चा होने वाला है? तो 7.5 लाख करोड़। तो भाई कितना खर्चा ये बढ़ने वाला है? तो ये बढ़ने वाला है 35.4% से, एंड ये टोटल कितना बैठेगा? तो ये बैठेगा आपका, है ना, 7.5 लाख करोड़। हेलो, हाँ चलिए, है ना। तो यहाँ पर 35.4% से बढ़ाई कितना हो गया? 7.5 लाख करोड़। ठीक है, तनुजा कह रही है मतलब सर ने ही कुछ किया था। नहीं, हम कहाँ यार, हम कहाँ सीधे साधे व्यक्ति हम, है ना। हम हॉस्टल में रहते थे, तो उसके सामने एक पुणे में बहुत फेमस है जेड ब्रिज नाम का, है ना, जेड ब्रिज नाम का बड़ा फेमस है, ऐसा है, पर उसको जेड कहते हैं। वहां पर अक्सर कपल बैठ जाया करते हैं। अगर आप पुणे पढ़ने आएंगे तो हम ट्रिप बनाएंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे पुणे की, चिंता ना करो, है ना। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, है ना, करेंट अफेयर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए शहर में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, और वहां नहीं जाने का इसके लिए। ठीक है, सुनो, तो ये 5.54 याद नहीं रखना बेटा, ये पुराना वाला है, वो मत याद रखो। अब इतना याद रखो कि इस बार बजट में कितना बोला, 7.5 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है, और कितने से बढ़ने वाला है? तो 35.4% से बढ़ने वाला है। ओके, ठीक है, चलिए देखिए हम आगे, देखिए हम आगे। चलो, तनुजा गुप्ता कुछ तो उर्दू में लिख रही है, मुझे पढ़ते नहीं जम रहा है। चलो सुनो, अब नेक्स्ट अपने को बोला है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट 10.68 लाख करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। मतलब टोटल टोटल इफेक्टिव कैपिटल खर्चा जो रहेगा वो सरकार करने वाली है कितना? तो 10.5 लाख करोड़ से भी ऊपर, 10.68 लाख करोड़, जो कितना है जीडीपी का? 4.1%। जो कितना है जीडीपी का भाई, है ना, जीडीपी का है 4.1%। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, तो डेटा है, देखो डेटा जो है कॉन्सेप्ट तो है नहीं, रटना ही अपने को, रटना कैसे, बार 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 पढ़ के ही रटा जाएगा। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बार 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 रिवाइज कराऊंगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया कि वर्ल्ड क्लास फॉरन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन हम अलाउ कर रहे हैं गिफ्ट सिटी में। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हम लोग कहां पर स्टार्ट करें भाई, हम स्टार्ट करें आपकी गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहां पर है? तो गिफ्ट सिटी मतलब एक एरिया है गुजरात का, एक एरिया है गुजरात का, उस एरिया को नाम दिया जाता है गिफ्ट सिटी। आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, गिफ्ट का फुल फॉर्म लिखना है तो दिस इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी। दिस इज व्हाट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी। नाम क्या है इसका? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी। ओके, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं? तनुजा गुप्ता कुछ तो ब्लर ब्लर आ रहा है आपके कमेंट, क्या हो गया यहाँ पर? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी। तो ये जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, यहां पर हम जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को परमिशन दे रहे हैं कि यहां पर आके काम करिए, और इस गिफ्ट सिटी में, और इस गिफ्ट सिटी में आपका यहां पर क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी है। ठीक है, गिफ्ट सिटी में क्या होगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब इंटरनेशनल आपको पता है, सेंटर भी पता है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आर्बिट्रेशन मतलब सपोज यहां पर एक सीधी साधी लड़की है जिसका नाम है तनुजा, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है तनुजा, बिल्कुल लाल कलर करवा के रखा है इसने जीवन में अपने बालों में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, सुनेगा तो देखो, प्यारी सी आंखें हैं इसकी, ठीक है, बिल्कुल ब्लश ब्लश जो है ना करवा के घूमती है ये एनी टाइम। तो ये कौन है? तनुजा। तो मुझे बताओ कि समझो ये तनुजा है, तनुजा। अब तनुजा के जो मम्मी पापा हैं,
तनुजा के जो मम्मी पापा हैं इसको बहुत डांटते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मस्ती खोर है, एक नंबर की, एक नंबर की जो मस्ती खोर लड़की है। तो इसके जो पापा हैं है ना, पापा भी बहुत चमाटे मारते इसको, है ना, मम्मी भी कम नहीं, मम्मी भी बहुत मारती है इसको, ठीक है। तो जब परेशान हो जाती बेचारी, तो ये अपनी समझो दादी के पास या दादा के पास या चाचा के पास, जो भी घर में होगा बड़ा, उनके पास चले जाते हैं। ओके, तो ये ऐसा भी कर सकती है कि भाई ये कोर्ट में जाके केस करे, ये ऐसा भी कर सकती है कोर्ट में जाके केस करे कि भाई 18 साल के बच्चों को मार रहे हैं ना, मारपीट करें, ऐसा भी कर सकती है, लेकिन मम्मी पापा के खिलाफ करना अच्छा नहीं लगा ना। तो ये कोर्ट में नहीं जाती है, अपना झगड़ा सुलझाने किसके पास जाती है, अपनी कंप्लेंट लेके किसके पास जाती है, तो दादा या दादी के पास चली जाती है, ठीक है। तो है ना, जो ये दादा या दादी हैं उनको कहा जाता है आर्बिट्रेटर, मतलब बेसिकली जो आपका झगड़ा सुलझवा के देगा, है ना, बेसिकली जो आपका यहां पर, है ना, यहां पर जो आपका झगड़ा सुलझा के देगा, है ना, यहां पर जो है जो आपका झगड़ा सुलझा के देगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है आर्बिट्रेटर। तो हर छोटी छोटी की बात के लिए हम जो है यहाँ पर कोर्ट में क्यों जाएं, तो हम एक इंटरमीडियरी पर्सन को बुलाते हैं, पर्सन को बुलाते हैं जो हमारा झगड़ा सुलझा के देता है, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। ओके, तनुजा कह रही मेरे हेयर रेड नहीं ब्राउन है, हो जाएंगे धूप में निकल निकल के, चिंता मत करो। हरी शर्मा सिंह, तनुजा भी लाइक में इतनी सुंदर कब हुई, बचपन से इतनी सुंदर है, हंस रही है, देखो, ठीक है, समझ आया। तो हम यहां पर गिफ्ट सिटी में क्या अलाउ करते हैं आपको, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी अलाउ करते हैं। अब देखिए हम आगे, अब नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आरबीआई यहां पर और क्या इंट्रोड्यूस करने वाला था, डिजिटल रुपी, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिजिटल रुपी, ठीक है। तो आरबीआई ने यहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया था, देखो, डिजिटल रुपी। उसके बाद सरकार ने क्या बोला, अब ये फिगर थोड़े से ध्यान में रखना है ना, सरकार ने यहां पर क्या कहा, सरकार ने कहा वी हैव इंक्रीज द आउटले, इनहेंस आउटले मतलब खर्चा बढ़ा दिया है, फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं स्टेट्स को, किसके लिए, फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वापस से, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टेट्स को पैसा देने ताकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा पाए। और इसका हमने अब बजट कितना कर दिया है, 15,000 करोड़, पहले था 10,000 करोड़, इनका हमने बजट कितना कर दिया है, 10,000 से बढ़ाकर हमने कर दिया है 15,000 करोड़, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना। तो स्कीम है, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन यहां पर कितना खर्चा करने वाली सरकार, 15,000 करोड़, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट आपने को दिया है कि भाई, है ना, वी आर गोइंग टू पुट 1 लाख करोड़, कितना देने वाले भाई, 1 लाख करोड़, किसके लिए, टू असिस्ट दी स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। कैटलाइज करने का मतलब फास्ट, स्पीड अप, कैटलाइज करने का मतलब होता है स्पीड अप करना। तो यहां पर स्टेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी आए, तो उसके लिए हम कितना पैसा देने वाले, स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी आए उसके लिए हम कितना पैसा देने वाले, तो 1 लाख करोड़ देने वाले, कितना देने वाले भाई, 1 लाख करोड़ देने वाले हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट में जल्दी जल्दी पैसा आए। एंड ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि हम यहां पर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, मतलब इस स्कीम में कितना डाल रहे हैं, इस स्कीम के तहत 15,000 करोड़ डाल रहे हैं, एंड यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कितना दे रहे हैं स्टेट्स को, हम 1 लाख करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। 1:30 को बेटा आपकी एलआर की क्लास होगी, पुष्कर राज सर पढ़ाएंगे आपको, आपने शायद पहले भी लेक्चर देखे होंगे, बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं, आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। चलिए देखे हम आगे, देखिए हम आगे, तनुजा कह रही है थैंक यू इतनी बेइज्जती करने के लिए, क्या यार इतनी तारीफ की मैंने, यार इतना सुंदर मैंने आपका जो है फोटो बनाया, ऐसा बोलोगे आप, हद मचा रहे हैं, मतलब तो कलाकार की कदर ही नहीं आजकल, इसलिए तो आर्टिस्ट पैसा नहीं कमा रहे। सुनिए नेक्स्ट, अपने को इन 2022-23 स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ जीएसडीपी। देखो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीएसडीपी का क्या होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सही है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या बोला है कि हमने यहां पर फिस्कल डिफिसिट अलाउ किया है जीएसडीपी का 4%, और उसमें से आधा परसेंट पावर सेक्टर को लेकर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है,
फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। अंकुर कह रहा है बाकी अदर सब्जेक्ट्स की क्लास कब से शुरू होगी? हो गई ना अंकुर, रोज तो चल रही बेटा, है ना, 10:30 से 11:30 मोदी सर का होता है, लेकिन मोदी सर अभी नहीं ले पाएंगे, तो आपका प्रीमियर होगा, है ना, प्रीमियर मतलब आपको लेक्चर मिल जाएगा 10:30 से 11:30, आपको लाइव देखना है। और अभी मोदी सर की शादी है 27 तारीख को, है ना, अब जो बेचारे 5-6 दिन के जो है सिंगल कुंवारे बचे हुए हैं, फिर तो बंधने वाले हैं बेचारे जीवन में, है ना, तो 6 दिन बचे हैं, तो अभी वो ये 1-2 हफ्ते तो ऑफकोर्स नहीं ले पाएंगे, शादी है बंदे की, ठीक है। फिर अब्बड़ सर का लेक्चर रहता है 11:30, फिर मेरा होता है 12:30, फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग रहेगा कितना, 1:30 बजे। ऑल डन, ऑल परफेक्ट और क्लियर। चलिए देखिए हम आगे, अब बताइए। तो हमने अब देखा है, माने हमने अब देखा है कि टोटल जीएसडीपी का 4% है, जिसका आधा परसेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा इनकम कम, उतना आपको अलाउड है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको यहां पर बोला गया है कि टोटल खर्चा जो बजट में बताया गया टोटल, वो करीब करीब 40 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 39.45 लाख करोड़, इतना खर्चा सरकार करने वाली है। ओके डन। एंड ये वाला याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट 22-23 का रहेगा 6.4% ऑफ जीडीपी, है ना, ऊपर वाला पॉइंट मत याद रखो, ये वाला याद रखना कि 22-23 में जो जीडीपी का कितना अपना फिस्कल डेफिसिट बैठने वाला है, तो 6.4%। हाँ जी, डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, अब समझे ना आप, अब समझे ना अब आप जो है थोड़े से थोड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए हाँ देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, माना 22-23 जीडीपी का कितना है, 6.4%। अब ये सब आपको जो है इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय सेबी, इसमें क्या क्या करना है तो आपको बताता हूं, उतना ही करना है। पहले तो मैं आपको मीनिंग समझाता हूं, इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय सेबी का मतलब है सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइडलाइंस इशू करके रखे। चार्टर का मतलब होता है गाइडलाइंस, आप लिख के रख लो, चार्टर का मतलब होता है गाइडलाइंस, आप ये लिख के रख लो। फिर आपको डूज डोंट्स वगैरह दिए गए, ओके। अपने को यहां पर क्या बोला है, इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय सेबी, तो सेबी ने यहां पर क्या किया है, आपके लिए इन्वेस्टर चार्टर इशू किया है। इन्वेस्टर चार्टर मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बताइए कि भाई आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे ब्रोकर के पास खाता खुलवाना चाहिए, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। और ये कौन बता रहे, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म बताइए, हाँ मुझे सेबी का फुल फॉर्म बताइए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सही, परफेक्ट है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। चलिए तो यहां पर भी फोकस करिए, तो सेबी ने, सेबी ने यहां पर क्या किया है, सेबी ने यहां पर क्या किया है, सेबी ने गाइडलाइंस इशू किया, और गाइडलाइंस का हमने नाम क्या रखा है, इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, परफेक्ट है। अब फोकस करिएगा, तो हमने यहां पर क्या बोला है कि सेबी यहां पर इन्वेस्टर्स को इंकरेज करिए कि भाई आप बिल्कुल शेयर मार्केट में पैसा डालो, ठीक है, उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहेगी, लोगों को बेटर नॉलेज मिलेगा, एंड ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहनी चाहिए ताकि अपने को समझ में आए कि एक्चुअल अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आदित्य जी कह रहे हैं 4 बजे रिजल्ट है, आपको पहले से बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि सीएसईटी है। तो क्या बोला हमने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डूज, डोंट्स, ये रीड ओनली वाले, ठीक है, राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डूज है, डोंट्स है, ये सारे रीड ओनली है। रीड ओनली क्यों है, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाले, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, इस पर एमसीक्यू तो आता नहीं है, आया भी तो आप आराम से कर पाओगे, आराम से, ठीक है, फोकस करिए। तो हमने यहां पर बोला राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, अब आप बताओ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपके अधिकार क्या है, आप बताइए कि अगर आपने किसी शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके अधिकार क्या हैं। तो पहले बोला है कि भाई आपको जो है फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आपको सबके साथ बराबर जो है यहां पर इज्जत मिलनी चाहिए। अभी सपोज कि यहां पर आदित्य ने, उसका रिजल्ट है, आदित्य ने शेयर मार्केट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और नीलम ने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए, तो नीलम जब कंप्लेंट करेगी तो उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको दिक्कत जाती है तो आपको कंप्लेंट डालना है स्कोर्स में। देखो सैटरडे के लेक्चर में मैं आपको बता रहा था ना कि यहां पर सेबी में मैंने कंप्लेंट की थी, क्योंकि मेरे शेयर जो वो दिख नहीं रहे थे, बिक नहीं रहे थे, तो मैंने कंप्लेंट की थी स्कोर्स में, मैंने कंप्लेंट की थी स्कोर्स में। स्कोर्स का फुल फॉर्म है आपका सेबी का कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, भाई स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी का कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम,
ठीक है। तो इस कोर्स का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, एंड आपको क्वालिटी सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये सब आपके अधिकार हैं, तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ के रखना है। तो इन्वेस्टर्स के अधिकार क्या क्या है, इन्वेस्टर्स का अधिकार है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाए, है ना। आपको जो यहां पर क्या करना पड़े, है ना, आप कंप्लेंट रेज कर पाओ, तो इस कोर्स में जाके आप कंप्लेंट रेज कर पाओ। देन थर्ड, आपको यहां पर सेबी से क्वालिटी सर्विसेज मिले, आपको जो है सेबी से यहां पर क्वालिटी सर्विसेज मिले, तो ये आपके अधिकार हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी ब्रोकर के पास आप जा रहे हैं, जिसके पास भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, वैसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट आप ऐसे ब्रोकर के पास खुलवाओ जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, कोई भी अरे गरे नत्थु खरे के पास नहीं जाना है, कोई भी नए नए आपको ब्रोकर के पास नहीं जाना है। कुछ कुछ ब्रोकर जैसे फेमस है, जैसे जीरोधा नाम का है, जीरोधा नाम का है, ठीक है। देन आपके ग्रो ऐप है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना, एंजल वन के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं और इनका नाम है, तो ऐसे लोगों के साथ ही आप क्या करेंगे, यहां पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। क्वालिटी सर्विस मतलब क्वालिटी काम, श्रेष्ठा सिंह, क्वालिटी काम मिलना चाहिए, है ना, काम आपका अटकना नहीं चाहिए, शेयर्स अटकने नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, एप्लीकेशन बीच में अटक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपके जो है केवाईसी डिटेल्स अपलोड होनी चाहिए। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो ये केवाईसी डिटेल्स अपलोड होनी चाहिए, मतलब आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनेशन, तो ये सब जो है आपका अपडेटेड होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ हो गया और वो शेयर्स फिर आपके घर वालों को देने पड़ेंगे ना, है ना, अपस्टॉक है, जीरोधा वर्सिटी है, कोटक सिक्योरिटीज है, वेरी गुड, घर वालों को देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए आपका नॉमिनी वगैरह भी उसमें जो है अपडेटेड होना चाहिए। डूज फॉर इन्वेस्टर, ये एकदम चिल्लर है, आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आपको देखो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली पढ़ने चाहिए, सी सीधी बात है, डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियरली आपको क्लियर कट पढ़ने चाहिए, आपको इन्वेस्ट करने के पहले उसका रिस्क का पता होना चाहिए, आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स का आपको ट्रैक करना चाहिए कि आपका पैसा गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपके शेयर्स बिना आपको बताए बेचे तो नहीं जा रहे हैं, खरीदे तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये है डूज फॉर इन्वेस्टर्स, तो ये सब इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है, परफेक्ट। डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, ये नहीं करना है, पेमेंट इन कैश वगैरह नहीं करना है, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, फोन पे कोई ओटीपी मांग रहा है, सीवी मांग रहा है ब्रोकर बनके, तो उनके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। देन आपका पेमेंट आपको कैश में नहीं करना है, तो ये सब आपकी तकलीफ वाली बात है। तो ये चिल्लर पॉइंट्स हैं, ये सब पढ़ने लायक था। अब आपको यहां पर तीन मुद्दे दिए गए, कौन कौन से, मतलब फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनलाइजिंग गोल्ड एक्सचेंज, एनएससी प्राइम एंड सारथी, तो ये समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इतना हमने किया तो आपका सारा का सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लेक्चर्स हो गए अपने, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं आप, लेक्चर नंबर डाला है क्या इसमें, तो इसलिए मैंने कहा था चैप्टर नंबर टू बहुत ही छोटा सा है, मासूम सा, लेक्चर फाइव, लेक्चर फाइव, तो पांच लेक्चर्स में देखो आपका जो है कंप्लीट हो गया। प्रिंस मित्तल कह रहे हैं आज के लिए नफे, प्रिंस तीन ही टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं और ये हुआ तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये लास्ट वाला छोटा सा टॉपिक बताता हूं, सेबी चेयरमैन लॉन्चेस सारथी, तो सेबी के जो चेयरमैन है उन्होंने एक एप्लीकेशन निकाला है, एप्लीकेशन का नाम है, हाँ जी अमन दुबे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है सारथी, क्या नाम है भाई, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है सारथी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का जो नाम है ये किसने, ये सेबी चेयरमैन लॉन्च किया है, तो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको यही बताया गया है भाई इन्वेस्टर्स को यहां पर एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। देन ट्रेडिंग मोबाइल फोन में वगैरह में आपको कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे होती है, सेटलमेंट कैसा होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो ये आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है सारथी, है ना भाई, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है सारथी, क्लियर, डन, बताइए सर नो, हाँ या ना, समझ आया, चलिए। तो इसमें इतना ही था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम, भाई शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया कंपनी डूब गई तो जोखिम है ना, इसलिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया शेयर्स गिर गए तो ये, तो भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या क्या रिस्क होता है आपको पता होना चाहिए। चलिए देन उसके ऊपर आपको दिया गया एनएससी प्राइम, तो ये भी छोटा सा मुद्दा है, एनएससी का फुल फॉर्म पता है, एनएससी का, एनएसई का फुल फॉर्म पता है किसी को, एनएसई का फुल फॉर्म बताइए,
आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा तो ज्ञान हो गई होगा। कोविड के टाइम पर तो सब घर बैठे बैठे यही कर रहे थे। आपके घर में भी बहुत लोगों ने जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया होगा कोविड के टाइम पर। तो दिस इज व्हाट दिस इज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नो व्हाट इज दिस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज क्या होता है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ओके, आपको दूध या पनीर लेना होता है तो आप डेयरी में जाते हैं ना, ठीक है। आपको बहुत सारा सामान लेना होता है, सस्ते में लेना होता है तो आप डीमार्ट में जाते हैं। तो डीमार्ट एक बाजार है जहां पर बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, वैसे यहां पर एक बाजार है जहां पर अपन क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज इस बाजार में लिस्ट होती हैं, बहुत सारी कंपनीज इस बाजार में लिस्ट होती हैं। जैसे ना आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आपका टाटा मोटर्स हो गया, आपका जिलेट हो गया, ठीक है, फिर आपका सिप्ला हो गया जो आप दवाइयां वगैरह खाते हैं। तो ये सब शेयर्स, ये सब कंपनी के शेयर्स इस स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं, ठीक है। इन सब कंपनी के शेयर्स इस स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं, ये भी क्लियर है। अब इसमें ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई है। आयुषी बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अलग से कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है एनएससी प्राइम। आपने अमेजॉन प्राइम सुना होगा, आपने अमेजॉन प्राइम सुना होगा। अमेजॉन प्राइम क्या है कि भाई आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके अमेजॉन की मेंबरशिप ले सकते हैं, तो आपको जो भी चीजें हैं वो जल्दी जल्दी आएगी, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वो था आपका अमेजॉन प्राइम। उसी तरीके से यहां पर नाम क्या है, यहां पर नाम है आपका एनएसई प्राइम, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम। तो ये एनएसई प्राइम क्या होता है, ना एनएसई प्राइम क्या होता है कि जो भी कंपनीज को लगता है कि भाई हम बहुत अच्छे कंप्लायंस करते हैं, कंप्लायंस करते हैं मतलब लॉ फॉलो करते हैं, जो भी कंपनी को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कंप्लायंस करते हैं, बहुत अच्छे लॉ फॉलो करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्क्लोज करते हैं लोगों को, हम पॉलिसीज को लेकर बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, ये अपना नाम एनएसई प्राइम में दे सकती है। ये वाली कंपनी जो है वो अपना नाम एनएसई प्राइम में दे सकती है। मतलब एनएसई प्राइम इज वॉल्ड ए काइंड ऑफ एलीट कंपनीज, एलीट कंपनीज मतलब ज्यादा अच्छी कंपनी जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ना ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनको कहा जाता है एनएसई प्राइम, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुछ कंपनीज चाहे तो खुद को एनएसई प्राइम में लिस्ट करवा सकती है। तो ये नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया जिसका नाम है एनएसई प्राइम, उतना ही है, मतलब इसमें उतना ही है। क्लियर हुआ, डन, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, तो यहां पर बोला है कि एनएससी में जो लिस्टेड कंपनीज है, जो मैंने आपको जैसे नाम बताया, दे कैन एडॉप्ट वॉलेंटरीली, वो चाहे तो अपनी इच्छा हो तो वो उसमें एनएससी प्राइम में अपना नाम डाल सकती हैं। तो इनके पास हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो भाई कंपनी को कैसे तरीके से मैनेज किया जाता है, तो जिन कंपनीज को लगता है कि भाई ना एलीट, सेकंड वाला इंसिडेंट्स एलीट ऐसा वाला, तो जिन कंपनी को लगता है कि भाई हमारा मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, जानदार है, वो अपना नाम किसमें डालते हैं, तो एनएससी प्राइम में डालते हैं। क्लियर है, चलिए। अब इसके बाद आपके पास एक ही चीज बची हुई है, वो है गोल्ड एक्सचेंज। बस ये बचा है दो तीन लाइन, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। तो ये भी सुन लो, ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो हमने यहां पर बोला है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्ड एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वैसे ही गोल्ड एक्सचेंज, जैसे स्टॉक का एक्सचेंज है, जैसे जहां पर आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो, तो यहां पर आपका रहेगा गोल्ड एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो आप खरीदते बेचते हो उसका नाम होता है शेयर्स, ठीक है। अंजलि मिश्रा, एक हफ्ते के लिए ना, एक एक पैराग्राफ के लिए क्या ही छोड़ना, बताओ, कंप्लीट कर लो, जितना बोलो उतना ध्यान दे दो, खत्म हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में होते शेयर्स, ठीक है। देन गोल्ड एक्सचेंज में आपका होने वाला है ईजीआर। ईजीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। ईजीआर का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। मतलब जैसे शेयर्स को हम ऑनलाइन खरीदते बेचते हैं ना, वैसे ही हम गोल्ड को भी ऑनलाइन खरीदेंगे बेचेंगे। जैसे हम शेयर्स को ऑनलाइन खरीदते बेचते हैं, वैसे ही हम गोल्ड को भी क्या करेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे और बेचेंगे। तो ये ईजीआर को क्रिएट कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, और इसको कन्वर्ट करना है इन फिजिकल गोल्ड, ये तीन काम मेनली यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। तो वापस से सुनो, वापस से सुनो, हमने क्या कहा कि जैसे शेयर्स को ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है,
वैसे गोल्ड को भी आप ऑनलाइन खरीद बेच सकते हो। तो जैसे कंपनी के शेयर को शेयर कहा जाता है, यहां पर गोल्ड जो ऑनलाइन आप खरीदोगे बेचोगे उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। तो इसमें ये तीन मेन फोकस रहेंगे कि ये रिसीट्स पहले तो बनानी कैसे है, क्रिएट कैसी करनी है, बनाने के बाद इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, और उसके बाद इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर ये ऑनलाइन वाले गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे, जैसे आपके पास ऑनलाइन शेयर है, गोल्ड है, इसको आप जो है सोना खरीद के आना चाहो आप फिजिकल, तो कैसे करना है, तो यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है, सेबी ने कहा है, सेबी ने कहा है कि हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड एक्सचेंज भी स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहां पर गोल्ड एक्सचेंज हम स्टार्ट करें तो जिसमें लोग खरीदेंगे बेचेंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। और इसमें तीन पार्ट मेन रहेंगे, एक तो आपका क्रिएशन ऑफ ईजीआर, इसको बनाना कैसे है, दूसरा इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, थर्ड इसको कन्वर्ट कैसे करना है फिजिकल गोल्ड में। तो ये तीन मेन काम अपने रहेंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो इसमें इतना ही है, मैं इसमें इतना ही है। चलिए भाई, तो इसी के साथ आपका सारा का सारा चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। आपको बहुत बहुत बधाई है ना, आप अपना 25% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो चैप्टर नंबर के हिसाब से, है ना, चार चैप्टर से आपके पास, उसमें से एक चैप्टर हो गया, तो 25% आपका डन है। तो कल से हम मिलेंगे एक, है ना, कल से हम मिलेंगे आपके नए वाले, है ना, नए वाले यहां पर चैप्टर के साथ। ठीक है, यस, पेटीएम ऐप पर भी होता है, लेकिन अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलिए भाई, तो यस गर्वित, बिल्कुल। तो गाइज अभी के लिए रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका भी स्टार्ट होगा 1-2-5 मिनट के अंदर अंदर। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, तनुजा गुप्ता, शुक्रिया।